बारिश के दिनों में वैसे ही सब्जियां काफ़ी महंगी होती हैं और रोज़ रोज़ क्या बनाएं जो सबको पसंद आए, ये भी एक समस्या है। तो आज बनाने जा रहे हैं मशरूम मंचूरियन। थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे ताकि इसको चावल या नूडल्स या रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सके। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर मशरूम्स। बारिश के मौसम में मशरूम काफ़ी सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं और एकदम फ्रेश भी रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह का 200 ग्राम का बॉक्स ले रही हूँ। चलो अब घर चल के बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मशरूम्स को अच्छी तरीके से वॉश किया था, सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी है, इसके ऊपर जो भी मिट्टी चिपकी हुई थी वो निकाल दी है और इसको टुकड़ों में इस तरीके के कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक मशरूम के 4 टुकड़े किए हैं। अगर छोटा मशरूम है तो आप 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप मैदा। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। इस पेस्ट की रेसिपी मैंने पहले ही आपके साथ में शेयर की हुई है, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बता दूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, 1/2 चम्मच, और इसको मिक्स करना है क्योंकि मशरूम में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो इसलिए आप एकदम से पानी ज़्यादा ना डाल दें। ये देखिए यहाँ पर मैं हाथ में पहले पानी ले रही हूँ, फिर इसको इसमें डाल के मिक्स कर रही हूँ ताकि पानी ज़्यादा ना हो जाए और ये एकदम से गीला ना हो जाए। ये इस तरीके से सारी चीज़ें मशरूम पर कोट करनी है हमें। अगर पानी ज़्यादा डल जाएगा तो ये कोटिंग इस मशरूम पे चिपकेगी नहीं। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मशरूम पे चिपक जानी चाहिए इस तरीके से, ये देखिए, ताकि तलने में इजी रहे। अब एकदम गर्मा गर्म तेल में इस मशरूम को हम एक एक करके डालेंगे, इस तरीके से अलग अलग करके सारे पीसेस एक एक करके डालेंगे और एकदम गर्म तेल में तलेंगे। बिल्कुल भी तेल मीडियम नहीं करना है, गर्म तेल में तलने से ये क्रिस्पी निकलेगा एकदम, और अगर आप आंच धीमी कर देंगे तो ये एकदम सौगी सौगी सा हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं पहले बताना भूल गई थी, जब आप मशरूम में नमक ऐड कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नमक मशरूम के टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि मशरूम टेस्ट में नमकीन होते हैं तो इसमें नमक काफ़ी कम लगता है। अब यहाँ पर हमने देखे काफ़ी सारे पीसेस एक एक करके डाले हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा अलट पलट कर लेंगे, जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो इसे इस तरीके से हल्के हाथों से पलट देंगे और इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली सब तरफ से सिक जाए। बहुत ही जल्दी 10 मिनट में तल जाता है मशरूम। बस जैसे इसका पानी ड्राई होता है वैसे ये एकदम तैयार हो जाता है। तो इनको ब्राउन कर लेंगे हम। अब ये देखिए सब तरफ से एक जैसे तल गए हैं। जैसे ही इनका कलर ब्राउन होगा इनको निकाल लेंगे। तो अब ये तैयार है, इनका तेल निथारते हुए इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह का कलर हो जाना चाहिए, बस इनको निकाल लेंगे सारे। अब यहाँ पर सारे मशरूम हमारे तल के तैयार हैं। आप चाहें तो इनको स्नैक्स की तरीके से ऐसे भी खा सकते हैं, एकदम क्रिस्पी तले हुए हैं ये। अब चलिए इनकी ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ एक पैन में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। अब इस प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। प्याज फ्राई करते समय अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, फिर इसको फ्राई करिए तो बिल्कुल भी आंखों में पानी नहीं आता है। अब ये देखिए प्याज थोड़ा सा गल गया है, इसमें डालेंगे हरा वाला जो प्याज होता है स्प्रिंग अनियन, उसका सफ़ेद पार्ट, और डाल देंगे 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक और लहसुन। बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डाला है इसमें, पीस के नहीं डालना है, हर चीज़ का क्रंच आना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियन, 1/2 कप के करीब स्प्रिंग अनियन की ग्रीन लीव्स डाली हैं। बस इन सभी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये सब काम हमें तेज़ गैस पे करना है ताकि इन सब्जियों का क्रंच भी ना जाए और सब्जियां पक भी जाएँ। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट और 1/2 चम्मच रेड चिली पेस्ट। अगर आप बाज़ार का यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून माल्ट विनेगर। माल्ट विनेगर नहीं है तो प्लेन विनेगर भी डाल सकते हैं।
सभी चीज़ों को जल्दी से मिक्स कर लीजिए। अब जिस बर्तन में हमें मशरूम मैरिनेट किए थे उसी में एक कप पानी डाल के उस पानी को इसमें मिक्स कर दिया, क्योंकि उस पानी में कॉर्न स्टार्च भी था, मैदा भी था, तो यहाँ पर ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे मशरूम्स तले हुए, जल्दी जल्दी सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इनको ड्राई भी इस तरीके से भी रख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रेवी वाला बना रही हूँ, तो इसमें हम एक कप के करीब पानी और डालेंगे। इन सबको मिक्स करके अब इसमें पानी डाल देंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके 5 मिनट तक मीडियम गैस पर इसको बॉयल होने देंगे। देखा ना आपने रेसिपी कितनी आसान थी, टमाटर वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं कि डालने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, बस तैयार है ये सर्व करने के लिए। गैस बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये तैयार है हमारा मशरूम मंचूरियन। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से हरे प्याज की पत्तियाँ। बस अब आप इसको चाहें तो ऐसे ही खाइए, या फिर रोटी, पराठा, नूडल्स या चावल के साथ में एंजॉय करिए। बताइए आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।